नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हमें बुक से यानी राम सिंह यादव जी के बुक से हम वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों वर्गमूल तथा घनमूल के आज हम 46 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। हाँ दोस्तों, अभी हम वीडियो कुछ कम बना रहे हैं, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है तो इसके लिए वीडियो नहीं रुका हुआ है। वीडियो रुका हुआ है इसलिए कि हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं और डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, मतलब 10 तारीख के आसपास में, मानिए ना मतलब 10वां महीना में आ जाएगा डिजिटल बोर्ड। तो हम लगातार कंटिन्यू क्लास लेंगे, ठीक है, रात दिन एक कर देंगे। अभी हम यह चौथा वीडियो होगा वर्गमूल घनमूल का, ठीक है। और इलेक्शन का भी इधर समय चल रहा है तो प्रचार ज़्यादा हो रहा है तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मेरा स्टूडियो बन रहा है अभी सरैया में। मेरा बगल में एक सरैया शहर है तो वहीं पर स्टूडियो मेरा बन रहा है, ठीक है। तैयारी में भी लगे हुए हैं, आपको प्रतिदिन क्लास मिलेगा, डिजिटल बोर्ड खरीदाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 46 नंबर। हाँ दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बराबर नौ और B=16। तो आपसे पूछ दिया है कि रूट अंडर AB+B² के मान आप बता दीजिए। कुछ नहीं है, इसका मान उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा है तो आप A+B के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, उसमें कुछ अपना से अति करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए ना AB गुना करके, यानी 16 × 144 और प्लस B² मतलब 16² 256, ठीक है। जोड़िएगा तो 56 100 और 200 300 300 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा, क्या रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में वैल्यू रहता है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1.21 × 10⁶। ध्यान दीजिएगा 121 के वर्गमूल 11 होता है, 0.2 अंक बाद है तो बाहर में 1 अंक बाद पड़ेगा, अगुना 10⁶ कहने का मतलब है 10 पर मतलब 1 पर 6 को 0 है, तो 1 पर बाहर में 3 को 0 आएगा, तो 3 को 0 को हम 10³ लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1.1 × 10³। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 9261 का घनमूल मतलब क्यूब रूट, इसका मान क्या होगा। तो अंतिम में एक है तो घनमूल करने के बाद भी एक के आएगा, ठीक है, हम इसको गहराई से बताए हुए हैं, देख लीजिए जाके वीडियो, कोई घनमूल वर्गमूल का, और घनमूल है तो 3 को अंक छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 को छोड़ दिए। अब 3 को अंक छोड़ने के बाद वाला संख्या को देखिए कि किसके किसके घन के बीच है, तो 2 के घन 8 और 3 के घन 27 होता है, तो 2 और 3 के बीच में है तो छुटका लिख दीजिए, 2 और 3 में छुटका कौन है 2, तो 2 को लिख दीजिए, यानी 21 का घन होता है 9261 और 9261 का घनमूल होता है 21। अब कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 216 का घनमूल, ये तो सब लोग जानता है कि 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 6 ऑप्शन और ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 5 को 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 है 0.1 यहाँ दिया हुआ है, इसका घनमूल बोला है, घनमूल है तो क्यूब रूट चढ़ा दीजिए, 1 का घनमूल 1 होता है, 0.6 अंक बाद है बाहर निकलेगा, 3 अंक बाद, तो 1, 2, 3 अंक बाद हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 0.001, ठीक है, 0.001 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, -125 × 2/3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 का क्यूब लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 से होता है, ठीक है,
पाँच के की 125 होता है, बट्टा में 2/3 है। याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब पावर पे पावर हो ब्रैकेट लगल हो तो पावर में पावर गुना हो जाता है। देखिए पावर पे पावर है, ब्रैकेट लगल है तो पावर में पावर गुना हो जाता है। तो 3 × 2/3 कीजिएगा, 3 3 तो कट जाएगा, तो 3 3 कट गया, -5 का स्क्वायर बच गया। अब -5 के स्क्वायर प्लस में 25 होता है, जानते हैं ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्यूब रूट 7/875, 7/875, 7 से काटिए काटिए तो कटेगा, 7 × 7 = 14, 7 × 35 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो क्यूब रूट 1 ऊपर बचा नीचे में 125, 1 का घनमूल 1 के होता है, 125 का घन 5, घनमूल 5 होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/5, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाट के जगह दोस्तों हम हमेशा एक से लिखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा मिटाया हुआ है, कितना है पता नहीं, शायद 729 है। चलिए 729 होगा, 729 यहाँ दिया है, क्या दिया है, वर्गमूल दे दिया है, ठीक है। -1 = 0, ये -1 के उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 इधर वाला है, उधर गया तो प्लस में हो गया। अब ध्यान दीजिए 729 एक्स क्यूब, 729 को घनमूल देखिए, 9 किसके किसके वर्ग करने पाता है, 3 के करने पाता है और 7 के करने पाता है, वर्गमूल है तो 2 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। और 7 को देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, तो हमेशा छोटका लिखाता है, ठीक है। अभी दोनों में से कौन यहाँ लिखाएगा, ये दोनों गुणा करने के बाद पता चलेगा, 3 × 2 = 6 हुआ, 6 से बड़का है तो यहाँ बड़का चलेगा। सीधा सी बात समझिए, नहीं सत याद होगा, 27 के स्क्वायर होता है 729 और 729 का वर्गमूल होता है 27, ठीक है, बराबर 1। 1 से गुना हो जाएगा तो 27 वहाँ जाकर चढ़ जाएगा, ठीक है, 1 से गुना हो गया 27, ठीक है। अभी क्यूब हटेगा तो बराबर उधर क्यूब चढ़ेगा, 1 से बराबर, और 27 के घनमूल होता है 3, 3 का क्यूब 27 होता है, आपका आंसर हो जाएगा 3, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 9400 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों हम कहेंगे कि 3 में कम से कम क्या जोड़ दीजिएगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1 जोड़ दीजिएगा तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है। उसी तरह भैया बोला है कि 9400 है, 9400 है, इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दीजिएगा कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए कुछ नहीं, वर्गमूल कर लीजिए, वर्गमूल जानते ही होंगे 2 अंक का जोड़ा लगता है, ठीक है। ऐसे तो हम मोने मन इसको बना देंगे, लेकिन यार वर्गमूल जैसा बना लीजिए, तो 9 9 81 3 1, फिर 9 लिख के यहाँ जुटता है, 00 उतरेगा, तो 6 लिखिए यहाँ, 6 यहाँ लिखिए, 6 × 6 = 36, 8 × 6 = 48, 3 × 51, 1 × 6 = 5 11, 10 × 6 = 4, 9 × 8 = 8, 2 × 1 = 1, 184 आया, 184 आ गया। अब यहाँ से यहाँ कम आ गया, देखिए ना 186 है, यहाँ है, यहाँ 184 है, तो बन गया। अब देखिए यहाँ जो संख्या आएगा ना उसमें 1 जोड़ के स्क्वायर कर दीजिएगा, 96 है, 1 जोड़िएगा तो 97 होगा, 97 के स्क्वायर कर लीजिए। तो तरीका स्क्वायर करने के बताए हुए, हम अपने मन कर देते हैं, आप लोग अपना से कर लीजिएगा। 100 से 3 कम है तो वही 3 के स्क्वायर 9, और 97 में से 3 और कम कर दीजिए, जिसका स्क्वायर किए उसको कम कर देंगे। 100 से 3 कम है तो 3 के स्क्वायर कर दिए, और 3 कम है 3 और कम कर दिए, 97 से 3 = 94 लिख दीजिए। स्क्वायर करने के बाद में दिया हुआ संख्या जो है उसको घटा लीजिएगा, 9400 घटा लीजिएगा, आपका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9, जो ऑप्शन नंबर भैया ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहब्बत ना करते। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम क्वेश्चन है, 269 वर्गमूल निकालिए, 1 1 कम 1
1 6 9 1 1 2 3 डालेंगे, तीन डालेंगे, सॉरी तीन नहीं डालिए, आगे जाइए ना, 25 25 125, ये 6 डाल के देखिए, 6 6 36, 6 2 12 3 15, 156 हुआ। आगे 7 डाल के देखिए तो 7 7 49, 7 2 14 4 18, नहीं यही आगे बेसिया जा रहा, 6 यहाँ रखिए 26 6 156, 3 1, ये हमारा से यहाँ छोटा आ गया, तो इसमें एक बढ़ाइए 16 में, एक जोड़िए तो 17 के स्क्वायर कर दीजिए, 17 के स्क्वायर 16 के 256, 17 के 289 होता है, 17 के 289 होता है, 289 दिए हुए संख्या घटा लीजिए, 269 घटा लीजिए, 02, यानी 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, प्रचार हो रहा है इलेक्शन के दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है 56 नंबर होगा, हाँ 56, 294 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, या गुना वाला आ गया 294 में, तो गुना वाला भाग वाला कहेगा ना, तो गुणनखंड तोड़ दीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, 2 से 2 कम 2 2 4 2 से 14 7 4 11 12 3 से लगेगा 3 से लगेगा 3 6 12 3 9 27 7 से लगेगा 7 7 49, तो वर्गमूल में दो अंक का जोड़ा लगता है, तो 2 को 7 है, ठीक है, एगो 3 के कमी है, एगो 2 का कमी है, एगो 2 का कमी है, एगो और 2 रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, एगो और 3 रहता तो 2 पूर्ण वर्ग हो जाता, तो इसको गुणा किए 3 गुना 6, यानी इसमें 6 से गुणा कर दीजिएगा ना तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 256 पर 3 को 0 है, 256 पे 3 को 0 है, को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, यहाँ घन बनाना है, घन तो ऐसे कीजिए, 2 से 2 कम 2 2 4 2 8 16 और 3 को 0, 2 से 64 बार में, ठीक है, 3 को 0, 2 से 32 बार में, 3 को 0, 2 से 16 बार में, 3 को 0, 2 से 8000 हो जाएगा, 2 से 4000 हो जाएगा, 2 से 2000 हो जाएगा, 2 से 1000 हो जाएगा, 2 से 500 हो जाएगा, 2 से 250 हो जाएगा, और 2 से 125 हो जाएगा, यहाँ 250 नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ देखिए, फिर यहाँ कर रहे हैं, 2 लिखिए है ना, तो 250 हो जाएगा, ठीक है, 250, फिर 2 से 125 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है, घनमूल में 3 गो का जोड़ा होता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो यहाँ तक जोड़ा है, 1 गो 2 गो 3 गो यहाँ तक जोड़ा है, 1 गो 2 गो 3 गो यहाँ तक जोड़ा है, 1 गो 2 गो 1 गो कमी है, आ 3 गो 5 हैले है, देखिए 3 गो हैले है, तो ये फिट है, ये फिट है, 1 गो 2 का कमी है, यानी इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा ना तो ये घन बन जाएगा किसी न किसी संख्या का, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 675 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, 675 घन बन जाए, 3 गो का जोड़ा लगेगा, 2 से 2 से नहीं लगेगा, 7 6 13 5 8 3 से लगेगा, 3 2 3 2 3 5 5 4 9 3 से लगेगा, 3 7 3 5 3 से लगेगा 25 5 से लगेगा 5 बार में, देखिए 3 गो का जोड़ा होता है, 1 गो 2 गो 3 गो फिट है, 1 गो 2 गो 1 गो 5 का कमी है, यानी इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो पूर्ण घन बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3600 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, इस बार भाग देने के लिए बोला है 3600 में, तो वही काम कीजिएगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, वही काम कीजिएगा, गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 2 4 2 2 4 2 5 10, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, देखिए ज़्यादा कौन है, एक्स्ट्रा कौन है, ये 1 गो 2 गो 3 गो, ये ठीक है, 1 गो 2 ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे 1 गो 2 ज़्यादा है, 2 गो 3 ज़्यादा है, 2 गो 3 ज़्यादा है, 2 गो 5 ज़्यादा है, 2 गो 5 ज़्यादा है,
यहाँ ज़्यादा दे रहे हैं, उस समय गुना के लिए कमी देख रहे थे, इसमें ज़्यादा देख रहे हैं, कैगो है एक्स्ट्रा है। तो पचास पच्चीस, पच्चीस दोनों पचास, पचास साठ डेढ़ सौ, डेढ़ते साढ़े चार सौ, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, साढ़े चार सौ है ऑप्शन में, यानी साढ़े इसमें साढ़े चार सौ से भाग दीजिएगा ना, तब जो है पूर्ण घन बन जाएगा किसी किसी संख्या का, ठीक है, साढ़े चार सौ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 4, ई रूट यहाँ तक है, देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 किस में जुटेगा तो 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 3 किस में जुटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन का हम वीडियो बना रहे हैं, आज के इतना ही रहने देते हैं, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके, आज के इतना ही, जय हिंद।